यूँ तो स्कूलें बहुत सी है, शिक्षक भी बहुत है, जिन्होंने कई बच्चों का भविष्य बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलवाते हैं जो 8 सालों में दूरस्थ अंचल में स्कूल में ही रहकर बच्चों का भविष्य संवारने में लगे हैं, जहां बच्चों का टैलेंट भी अद्भुत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिला मुख्यालय के सबसे आखिरी गाँव सागमाल, जो महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है, दुर्गम क्षेत्र है जहाँ जाना ही बड़ा कठिन कार्य है। स्कूल भवन है ही नहीं, आंगनवाड़ी भवन में ही प्राथमिक शाला संचालित की जा रही है, जहां अंजड़ निवासी रामचंद्र चौहान पिछले 8 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पाटी बोकराटा के बाद करीब 17 से 18 किलोमीटर का पहाड़ी घुमावदार रास्ता, जहां भूस्खलन होता रहता है, मौसम भी पल पल पर बदलता रहता है, वही जंगली जानवर का खतरा भी बना रहता है। ऐसे स्थान पर रामचंद्र चौहान स्कूल को ही अपना घर बनाकर बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हैं। बच्चों को इतना प्रशिक्षित किया है कि जिनकी पढ़ाई लिखाई देखकर कलेक्टर अमित तोमर भी प्रभावित हुए हैं। रामचंद्र चौहान को कलेक्टर ने 15 अगस्त पर श्रेष्ठ अध्यापक के सम्मान से नवाजा है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। बच्चे का दूसरों बच्चों के प्रति किस प्रकार से डिफरेंस है, और हम जानते हैं पिंटिया से, पिंटिया सब सभी जिलों के नाम बताइए। यहाँ पे जिले से कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने बच्चों का स्तर देखा और उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिर मुझे 15 अगस्त पे सम्मानित किया गया। यहाँ आप अकेले रहते हैं? हाँ, स्कूल में मैं अकेला रहता हूँ, मेरे साथ एक अतिथि शिक्षक है श्री मुन्ना नरगावे। नहीं, यहाँ आप अकेले यहीं निवास करते हैं क्या? हाँ, स्कूल में ही निवास करते। क्यों करते हैं यहाँ पर? सर, यहाँ आने जाने के लिए जो रास्ता है बहुत ही खराब है, तो प्रतिदिन बोकराटा यहाँ से 20 किलोमीटर जो दूर है वहाँ निवास कर सकते हैं, और वहाँ से यहाँ प्रतिदिन स्कूल नहीं आ सकते, इसलिए मुझे स्कूल में ही रहना पड़ता है। कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? मुझे 8 साल बीत गए, ये 9वां साल चल रहा है। यहाँ ये बच्चों को आप जो पढ़ा रहे हैं, हमने देखा इंग्लिश में हिंदी में पारंगत है, तो कहाँ से प्रेरणा मिली या क्या जज्बा कहाँ से आपके इतने यहीं रहकर पढ़ाने का निकला है? सर, जब मैं वहाँ बोकराटा से स्कूल प्रतिदिन नहीं आ पाता था, तो मेरे मन में हमेशा एक लगता था कि अगर अपन अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं रहने लगूं, जिससे कि मैं इनको प्रतिदिन स्कूल में बुलवा कर पढ़ा सकूं। तो आपके परिवार में कौन कौन है? हाँ, परिवार में मेरे माता पिता है, भाई है, बहू है, पत्नी है, एक लड़का है। तो उनकी देखभाल कैसे होती है? उनकी देखभाल अभी भाई है तो उनके पास ही है, वो साथ में रहते हैं। आपने समर्पण कर दिया अपना समय पूरा बच्चों के खाते? हाँ सर। क्या अपेक्षा रखते हैं यहाँ के क्षेत्र के बच्चों, पालकों से, बच्चों से? मैं ये चाहता हूँ कि सभी जो भी पालक है ये अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजे, क्योंकि शासन की भी यही मंशा है और सर्व शिक्षा अभियान का यही अर्थ है कि सभी बच्चे स्कूल आए और सारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।